अस्सलाम वालेकुम जी, की हाल चाल है? सब दोस्तों का ठीक ठाक हो, खैरियत दे नाल हो। जिस तरह के सब दोस्तों को पता है कि मैं हमेशा ही दोस्तों को बेहतरीन शौक करवाना और कोशिश करता कि शौक के हवाले दे नाल कोई ऐसे दोस्तों का शौक कराया जाए जिन्हों को कबूतर बड़े अच्छे होन, या कोई कबूतर परवरी के हवाले ना कोई रिकॉर्ड बहुत बेमिसाल हो, या कोई ऐसी शख्सियत मेरी जेरे गौर होंगी है जिदा कोई कुछ ना कुछ सीखने बंदे नू मिल सके। तो ये सारिया चीज़ा जड़िया ने मेरे इंटरव्यू की जोड़ा मेन वजह बन दया ने। अज मैं लाहौर के मौजूद हाँ, बड़े मेरे प्यारे दोस्त ने जनाब मैर जहीर साहब ने उन्हों की छत असी भगवानपुरे के उस्ताद तारा के नाम तो छत मशहूर है, उन्होंने प्लाजे वाली छत उत्थे असी मौजूद हाँ। बड़े ही अच्छे दोस्त ने, बड़े ही प्यारे दोस्त ने। अज सुबह का जोड़ा नाश्ता सी वो हैप्पी संडे के हवाले ना उन्होंने साड़ा बड़ा ही पुरतकल्लफ किस्म का साढ़े वास्ते नाश्ते का इंतजाम किया। और नाश्ते के नाल नाल शौक के नाल नाल एक होर बड़ी नामवर शख्सियत है, कुवैत का एक बहुत बड़ा नाम है कबूतर परवरी के हवाले ना, मुतद्दद बार उन्होंने चैंपियन ऑफ कुवैत का टाइटल अपने नाम किया। उस्ताद मिठू के नाम तो दुनिया उन्होंने जानती है। तो जहीर भाई नाल हैलो हाय करते हैं और जहीर भाई के नाल गुफ्तगू करते हैं, शौक के बारे कुछ पूछते हैं, कुछ रिकॉर्ड के हवाले ना गपशप लाने हैं, और उस तो बाद इंशाल्लाह तला उस्ताद मिठू के नाल भी थोड़ी गपशप करावांगे और कुवैत के हवाले ना, टेंपरेचर के हवाले ना, कबूतरां की परफॉर्मेंस और ब्लड लाइन के हवाले ना भी इंशाल्लाह तला गल करांगे। बड़े माशाल्लाह तामीरी जहन के उस्ताद ने और इंशाल्लाह तला उम्मीद है कि अज के इस इंटरव्यू तो सब दोस्तों को बड़ा मज़ा आएगा। सारे दोस्त जरा देख के एक दफ़ा दस दो कि मेरी आवाज़ क्लीयर आ रही। माशाल्लाह 31 बंदे मेरे नाल आ चुके ने, मेरा ख्याल एक मिनट च 31 जिहड़ा ना व्यू वाचिंग ने माशाल्लाह। तो मेरी आवाज़ सब दोस्त जरा लिख के दस दो ठीक आ रही है, तो फिर शुरू करिए ट्रांसमिशन। ठीक हो गया, ओके हो गया। लो जी, मुलाकात कराने जनाब मैं जहीर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, की हाल चाल है? मैं सब ठीक ठाक हो, सेहता तबीता सब तो पहले तो मैं सब थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुसी बड़ा पुरतकल्लफ जड़ा नाश्ते का खाने का इंतजाम किया और तुहाडी मुहब्बत और जड़ा खलूस सी वह तुहाडी मेहमान नवाजी के नज़र आ रहा सी, तो बहुत बहुत शुक्रिया तुसी इन्नी इज्जत दी, इन्नी हौसला अफजाई की। बेशक बेशक। तो किन्नी देर तो मैं सब शौक कर रहे? सर मैंने बचपन का शौक है, बाकी मैं 15 साल तो शौक करना पाया वा। अच्छा जी, 15 साल कोई भी सीजन योजा नहीं मैं जरा नहीं उड़ाया। अच्छा, हर सीजन मैं उड़ा दिया वा, डे हर सीजन मैं उड़ा। अच्छा जी, तो किन्ने बजे तक कबूतर बैठते ने? सर मेरा रिकॉर्ड कबूतर 7:28 मिनट तक बैठे हैं सर। कि मौसम विसाख च? सर विसाख के। ठीक हो गया। तो कोई इस छत तो कोई ऐसी भी कारकर्दगी है जी दिल में मुतमिन रखती? हाँ जी सर, इतने मैं एशियन टाइगर नू जितया जे, अमर शकील साहब नू लगातार 4 दफा जितया जे। अच्छा, लगातार 4 दफा डदया, 4 दफा जितया। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ते कबूतरबाजी दे हवाले ना तुहाडी कोई आइडियल शख्सियत? देखो मेरे बड़े ने उस्ताद मिठू साहब बैठे हैं, एक वेद चैंपियन, इस तो वड्डी आइडियल शख्सियत कौन हो सकती है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मेरे भाई ने उस्ताद तारा साहब, उस्ताद तारा साहब ने जी माशाल्लाह मेरा देना साया कबूतरबाजी हो रही है जी माशाल्लाह। और ए बैठे ने जनाब चैंपियन ऑफ कुवैत उस्ताद मिठू साहब। उस्ताद जी तुहाडे वल जरा दोबारा आने हैं, डिटेल ना करनी है, तो मैं इंशाल्लाह जरा तारफ एक दफा सारा करा दा। शौक की गल तो यही है कि शौक लिए आए बंदा तो शौक करवाना चाहिए। सर बाकी है सर सुजैन भाई है साढ़े भट्ट साहब भाई ने उन्होंने इंटरव्यू लो। नौमी भट्ट साहब माशाल्लाह। नौमी भाई वालेकुम सलाम। कदा गुस्सा है नौमी भाई थानू? तुसी जितते लिया हूँ, बस जितना हार जित गेम इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो नौमी भाई तुसी किस उस्ताद के शागिर्द हो? मेरे उस्ताद साहब सामने बैठे उस्ताद मिठू साहब। अच्छा जी, किन्नी देर तो शागिर्द हो तुसी इन्हां दे?
5-7 साल तो कि ऐसी इन्हों की अदा तुम पसंद आई तुम या शागिर्द होना तो इन्हों होना देखो जी इन्हों तलक साड़ा बहुत पुराना बैठन उठने काफ़ी सी जी इन्हों की आदत बड़ी अच्छी लगी जी ये बजाते खुद इंसान बहुत अच्छे ने जी फिर इन्होंने गायल हो गए बड़ी गल माशाल्लाह माशाल्लाह शख्सियत होंगी ना इंसान की हर एक अपनी अदा होंगी एक अपना स्टाइल हों बेशक मुतासर हो कहने जी तो मेहर साहब के हवाले ना की कहोगे जी साहब के हवाले मेहर साहब साढ़े बचपन के दोस्त ने जी जी तो कबूतरबाजी का इन्हों जनून है जी जनून भी छोटा लफज हो अच्छा हाँ जी अच्छा जी जनूनी हद तक जनून तो भी उत्ते कोई लफज हो शायद मैं वो इस्तेमाल करा जी तो शौक बड़ा अच्छा होंगे इतने जी साड़ी मेजोरिटी है पूरी माशाल्लाह सात तारा साहब ने जी साढ़े सात साहब तो आते नहीं कभी कदार जी जी उन्होंने आंदा है कि उन्होंने कवेद अपना जो निजाम उन्होंने चलता है जी जो दो तीन महीने इतने आते हैं सू खिदमत का मौका देंगे जी जी तो साढ़ा है कट जोड़ जोड़ा है चार पाँच बंद एक है इरफान भट्ट साहब खड़े इरफान साहब माशाल्लाह जी सात तारा साहब ने उस मेहर रही साहब ने जी इस तरह करके साड़ी मेजोरिटी बची माशाल्लाह ए मेरे बड़े साथ ने तो मेरे राइट साइड पे मेरे साथ बैठे ने साथ पापा साहब अस्सलाम वालेकुम जी की हाल चाल है उस्ताद जी ठीक ठाक हो की नाम है तुम्हारा मेरा नाम पापा है मिठू पापे के नाम मिठू पापा अच्छा जी तो कितनी देर तो कर रहे हो शौक तुसी बचपन तो शौक बचपन तो ही तो किहड़े इलाके च रहंदे हो लोग असी लोग स्टेशन ते रहंदे हां लेडी गिफ्ट स्कूल दे अच्छा ते शागिर्द किदे हो असी शागिर्द साथ ही हो दे साथ फ्यू बट सा हां जी लेकिन मैं सीखिया अपने भाई मिठू को लगता अच्छा 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 साडे बाला साहब नु शौक सी जी ते असी अपने घरे कबूतरबाजी शुरू की थी ठीक हो गया और तकरीबन लाहौर दे बेशुमार कप जीते ने सी अपने घरों अच्छा जी और लाहौर दे जितने अच्छे उस्ताद ने सारे ना शौक की अच्छा लाहौर दा कोई एक ऐसा नाम लवो कबूतरबाजी जेड़ा तोड़ा आइडियल है ओ मेरा भाई गया मिठू जिंदाबाद ठीक हो गया भाई मिठू तो हट के अगे चलो घरों बार उस्ताद फीओ सर माशाल्लाह वाकई बहुत ग्रेट बंदे ने और ठीक हो गया तो कबूतर केड़ी ब्रीड तुम्हें बहुत पसंद है टैडी कबूतर केड़े टैडी टैडी जेड़े कबूतर मेहरा वाले मेहरा वाले टैडी ओके ओके जी अस्सलाम वालेकुम भाई जी की हाल चाल है ठीक ठाक ਤੇ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗਰਮ ਗਰਮ ਖਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਵਾਇਆ ਲਿਆ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਯਾਦ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਨਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤਨਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਭਾਈ ਤਨਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 24-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੌਕ ਕਰ ਰਿਹਾ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੇ ਇਸ ਛੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਨਸਲਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਹੀ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਮਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕੈਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸਹੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਅਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ 4-5 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤੇ ਜੋੜੇ ਛੋੜੇ ਵੀ ਲਾਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋਰ ਸਭ ਖੈਰ ਖਰੀਏ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਬੁੱਚੇ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਉਡਾਣ ਲਈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਰਫਾਨ ਭੱਟ ਇਰਫਾਨ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹ ਛੱਤ ਤੇ ਸਾਰਾ ਇਰਫਾਨ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰਾ ਵਰਲਡ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ਾਰੀ ਕੈਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਿਆਰੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚੇਤਰ ਆ ਰਿਹਾ ਚੇਤਰ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 11 ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਡਾਂਗੇ 21 ਵਾਲਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ੇਨ ਹੈਗਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹੁਕਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਚਾਰੇ ਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ੇਨ ਹੈਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਣੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਸ ਛੱਤ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਟਸਐਪ ਤਕਰੀਬਨ ਜਦੋਂ ਦੀ ਛੱਤ ਬਣੀ ਹੈ 12-13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ 5-7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੜਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਐਸਾ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਛੱਤ ਦਾ ਨਾਮ ਕੱਢਿਆ ਹੋਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਉਹ ਜੋੜੇ ਪਿਆ ਆਵੇ ਦਰਿਆ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਦਰਿਆ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ 7-8 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਉੱਡਿਆ ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ਹੀ ਉੱਡਿਆ ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਰਿਆ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਜ਼ਰਾ ਉਸਤਾਦ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰੀਏ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰੈਸਪੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ ਹੈ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਖਾਨਦਾਨੀ ਅਸੀਂ ਹੈਗਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਕਿਚਨ ਹੈ ਆਪਣਾ ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਬੜਾ ਲਜ਼ੀਜ਼ ਖਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਔਰ ਦੋ ਸੱਚ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਫੜਾਫੜ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਾਸ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ
ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਜੀ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜੀ ਚਾਰ ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਅੱਛੀ ਯਾਨੀ ਗੈਰਟੀ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਦੋ ਦੋ ਘੰਟੇ ਕੋਈ ਚਾਰ